जी इशार ले जाओ मेरे घर वालों को, इशार ले जाओ, ये तो पागल हो चुका है। मैं पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो तू कम तो आप कानून को बना रहे हो, जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है। मेरी वाइफ रहेगी ना रहेगी वो काम कोर्ट का है, जिस जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है। एक डोनेशन का गैर कानूनी काम कर रखे हैं, इनको ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे और मेरी वाइफ को मेरे सामने क्यों नहीं ला रहे। भाई साहब जो अनु सिस्टर और राकेश का केस चला था ना, वो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से देखे हैं, उससे भी हार्ड केस है भाई। अगर मैं सच्चाई बताऊँगा तो आज मेरी वाइफ है कहाँ, एक बार कैमरे के सामने तो आओ। मैं गलत हूँ तो पब्लिक मेरे को जो सजा देगी चिपाने के लिए तैयार हूँ। रह कहाँ रही है, उसका ब्रदर की रिकॉर्डिंग आज की मेरे पास, सारे सबूत दे रहा हूँ मैं। हैं किसी को बोलती है जो मेरे को पैसे देगा मैं तो उसके साथ रहूँगी, कितने लोग बनाओगी वो हैं बताते दो, कैमरे के आगे बोलो। और क्या बोल रहे हो, थर्ड पार्टी दबाव बना रही है उसके ऊपर पूरा, या डोनेशन वाले भी दबाव बना रहे। अगर तू आ जाएगी तो उसके हमारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी तेरे को। ताकि वही कार्रवाई करेंगे, क्यों पुलिस थाना SHO बिल्कुल कानों में रुई देगा सोने लग रहा है कि हैं, क्यों टाइम पे तनख्वाह मिल जाती है भाई, कुछ काम करना नहीं लेना नहीं देना नहीं। जब ये पुलिस थाने कोर्ट बनाए किसके लिए, पब्लिक के लिए बना रखे हैं। जब पब्लिक कोई उल्टा वहाँ पे पले मतलब गाड़ी दे के बोलेगा कोई, अच्छा तरीका थोड़ा ये। फर्स्ट में अप्लीकेशन 11 को दी, मेरी ऐड नहीं हो रही ना, मैं कोई FIR कटा रखी। उसके बाद में गया 15 मई को मैंने CM विंडो में लगा दी। CM विंडो में लगाने के बाद 24 अप्रैल को मैं चेक करने गया हूँ, किसी ने बोला तेरा FIR संख्या लेके आ क्या है, वहाँ पे दर्ज नहीं थी मेरी। फिर एक विक्रम जी हैं अच्छे इंसान मानू मैं तो, उसने भाई ने कहा भगवान लंबी उम्र देवे, उसने मेरी FIR दर्ज करी और बोला भाई अब मैं कार्रवाई भी कराऊँगा, लेकिन पता नहीं किसके अंडर में वो केस दिया है किसके अंडर में नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। एक संदीप मुंशी है भाई ऊंचाणा थाने में, उस भाई थे मैंने रिक्वेस्ट करी, मुंशी जी हैं वो भाई, बोला भाई जब तेरी लड़की नहीं तेरी वाइफ नहीं है, हैं ऐसे कोई उच्च अधिकारी बोलता है क्या, ये विजय जो है हैं इसकी उस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, वो भी गलत बात है ना ये। ये मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ बिल्कुल बेकायदा अनिल विज जी को, हैं अगर मेरी कानूनी कार्रवाई नहीं प्रॉपर तरीके से करेंगे ना तो मैं अनिल विज जी के पास जाऊँगा। आज जाना था मेरे को हैं, लेकिन आज वहाँ पर 11 बजे लगना था, आज मैं लेट हो गया था वहाँ पे। मैंने कॉल की बोले अगले संडे को आ जाना, और अगले शनिवार को या मंगलवार को आ जाना भाई साहब, हैं देख लो कितनी गैर कानूनी काम हो रहे हैं। RSP साहब जिनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो अपने सुमित कुमार जी IPS हैं, कि भाई मेरे इस केस में आप अच्छे तरीके से प्रॉपर जांच करवाओ, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। अगर वो गुनहगार है ना एक डोनेशन वाले हैं, जिसने कहा हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा है, थर्ड पार्टी आई हुई है जो, उनके ऊपर क्यों नहीं हैं। चलो अगर मेरी वाइफ है किसी के साथ में तो मेरे सामने तो लेके आओ भाई, ये है हैं को सच्चाई तो लेके आओ। बोलते हो तो आना नहीं चाहती तेरे, आप कैसे बोल रहे हो, आपका तो अधिकार भी नहीं। मुआ दो ही कराओगे जब तो मेरा लागा का नहीं भाई, मैं कोई आना चाहती, खुद कहेगी अपना मुद्दा है बस। एक उच्च अधिकारी का तो वो तो कोर्ट का काम है, हैं कोर्ट मेरे पास भेजेगी उसको या मेरे को उसके पास भेजेगी, वह मेरे पास रहना नहीं चाहती ना रहना चाहती, वो तो कोर्ट का काम है ना। एक पुलिस अधिकारी का काम थोड़ा है, उनका काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना, सच्चाई तक जानने का, ताकि वो कोर्ट में दे सकें वह किसकी क्या गलती है। गलत है ये, उल्टा मेरे को बोल रहे हैं। SSP साहब के पास में कम से कम 3-4 बार जा चुका हूँ, एक बार ज्ञापन देने के लिए गया हूँ, अच्छे तरीके से मिल चुका हूँ मैं उसको, ठीक है। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि भाई उचित कार्रवाई होंगे, और मेरा ये 2713 कंप्लेंट नंबर है SHO साहब को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं। एक दिन बुलाया हूँ मैं SHO साहब ने, वो भी कुछ समझाने बुझाने के लिए, बोला कि तेरे पास रहेगी नहीं आएगी नहीं तेरे पास, तो आप कैसे कह रहे हो, बोला तू तो वैसे ही पागल वाला है। पागल मैं पहले भी तो पागल ही था। हैं क्वालिफिकेशन क्या आपकी भाई साहब? मैं +2 JVT करूँ था, वो छोड़ दी थी मैंने। हैं और मेरे को बोलते हैं कि इशार ले जाओ मेरे घर वालों को, इशार ले जाओ, ये तो पागल हो चुका है। मैं पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो तू कम तो आप कानून को बना रहे हो, जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है। मेरी वाइफ रहेगी ना रहेगी वो काम कोर्ट का है, जिस जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है। एक डोनेशन का गैर कानूनी काम कर रखे हैं, इनके ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे और मेरी वाइफ को मेरे सामने क्यों नहीं ला रहे आप? हैं ट्रेसिंग मार के भी तो ले आ सकते हो भाई, कहाँ पर रह रही है, पूरी की पूरी कॉल हिस्ट्री क्यों नहीं निकाल रहे आप? हैं कहाँ पर रही है भाई, नंबर मैं दे रहा हूँ ना, है गलत है। जिसने कोई राजनेता का या कोई राजनीति वाला कुत्ता भी खुद जाए तो 2 मिनट में ढूंढ गया जाए, 2 मिनट ये तो सेकंड भी कौन लांदे, इन्हें नहीं पता भाई अप्रोच है बढ़िया तरीका की। अरे एक में लोकल मेरी तो पब्लिक है मेरे साथ में, यही इंसाफ दिलाओगी मन तो बिल्कुल हैं। मैं तो बहुत रो चुका हूँ अंदर से भी,
मैं तो कुछ बातें तो ऐसी हैं बिल्कुल डिस्क्लोज कर दी भाई साहब, मैंने पूरी में लियाना नहीं चाहता समाज के सामने। बिल्कुल तो देख लो भाई क्या हालत हो रही है भाई की, और सारी की सारी बात भाई ने बताई है कि समाज में इसी से काम भी होने लग रहे हैं कि एक जो नॉर्मल परिवार तो जुड़िया हुआ है, एक नॉर्मल गांव तो जुड़िया हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करी जाती, वो दरदरी ठोकर खाने पर मजबूर हो रहा है। तो था नए वीडियो का पार्ट है, मैं कुछ सीखने मिला है, अपनी राय जरूर दे दियो। हाँ जी भाई, भाई साहब जो अनु सिस्टर और राकेश का केस चला था ना, वो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से देखे हैं, उससे भी हार्ड केस है भाई। अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो आज मेरी वाइफ है कहाँ, एक बार कैमरे के सामने तो आओ, मैं गलत हूँ तो पब्लिक मेरे को जो सजा देगी दिखाने के लिए तैयार हूँ। हैं रह कहाँ रही है, उसका ब्रदर की रिकॉर्डिंग आज की मेरे पास, सारे सबूत दे रहा हूँ मैं। हैं किसी को बोलती है जो मेरे को पैसे देगा मैं तो उसके साथ रहूँगी, कितने लोग बनाओगी वो है बताते दो कैमरे के आगे बोलो। और को क्या बोल रहे हो, थर्ड पार्टी दबाव बना रही है उसके ऊपर पूरा, या डोनेशन वाले भी दबाव बना रहे हैं, अगर तू आ जाएगी तो उसके हमारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी तेरे को, वो दबाव बनाएगा है, दबाव मैं नहीं बनाऊंगा, वो नहीं गवाही देगी तो रिकॉर्डिंग गवाही देगी जो ही मोबाइल के अंदर है। मैं यही चाहता हूँ सुख शांति मेरा बसने दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, चलो होगी गलती इंसान है, अगर वो आ जाती है तो फिर मैं अपना मैं हो सकता है कि मेरा बस जाए। है ये बसाने वाले ही पुलिस वाले होते हैं, उजाड़ने वाले ही पुलिस वाले होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो धमकियाँ मतलब मेरे का ये बोलता है कि तेरी सिस्टर का भी एक डोनेशन करवा दूंगा, तेरी माँ की वो तेरी माँ का भी करवा दूंगा, 15,000 से 10,000 रुपए की डील है, वो खुद एक्सेप्ट लग रहा करने जो गैर जो कि एक पैसा का लेन देन गैर कानूनी अपराध है। और सबसे बड़ा अपराध तो मेरे साले ने कर रखा उसी सानिया ने है, जो कि कोर्ट के अंदर भी गलत एड्रेस दे के जाए, वो इससे बड़े गैर कानूनी काम क्या होगा, हर तरह से चीटिंग। बिल्कुल तो देख लो भाई, भाई ने पूरे के पूरे विचार रखे हैं, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी है, लेकिन लंबी वीडियो जो होगी जब भाई ने अपनी पूरी की पूरी डिटेल बताई है कि भाई ने इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो सारी जनता ने जागरूक होना पड़ेगा। अगर भाई सच है तो इसकी जीत होगी, अगर लड़की वाले ये सच है तो उनकी जीत होगी। और मैं तो यह बात कहूँगा, अगर आज एक पक्ष दिखाया है लड़के वाले का तो कल लड़की वाले का भी दिखाऊंगे, अगर हाँ वो कैमरा के सामने आना चाहोगे तो। अगर लड़की का परिवार और लड़की कैमरा के सामने आना चाहती है तो उनको बिल्कुल फुल सपोर्ट है, आप अपने विचार रख सको हो। फिलहाल अपने वीडियो किसी लागे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दे दियो, मिला गया एक और नई वीडियो गला, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा। एक भाई एक बात और कहना चाहता हूँ मैं प्रशासन से, अगर उचित कार्रवाई पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं ना तो मैं नील विज जी के पास जा रहा हूँ, वो मैं ये नहीं बताऊँगा किस दिन जाना मेरे को किस दिन नहीं, ठीक है वो मेरा काम है। अच्छा, मैं नील गृह मंत्री है जो अपने स्वास्थ्य मंत्री है उन्हीं के अंडर में केस है, स्वास्थ्य मंत्री भी अभी फिलहाल में अनिल विज जी हैं। और ये जो मेरा मैटर है एक डोनेशन का, ये पैसे का लेन देन हो रहा है, ये उसी के अंडर में है और उसी के अंडर में मैं कार्रवाई करवाना चाहूँगा। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो सारे के सारे सबूत कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल डाटा पूरा निकाल गया मैं नील विज जी को दूंगा। और मैं ये पब्लिक तो यही आज जोड़ के विनती है मेरी कि ये मेरी आवाज़ सिर्फ अपने जो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट कर दो बस, ताकि उनके कानों तक ये खबर पड़ जाए और वो उचित कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, एसपी साहब ने सिर्फ बिल्कुल अच्छे से आदेश दे रखा है, लेकिन एसएचओ साहब क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? कुछ तो दबाव है, कुछ तो पॉलिटिक्स है, हैं वो तो पैसे वाली पार्टी है भाई हॉस्पिटल वाले, और जो एजेंट है उनके पास तो पैसा, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरे साथ तो पब्लिक खड़ी है और पब्लिक की सपोर्ट है, मैं जीरो तो हीरो बनूंगा। सही बात है, बिल्कुल मैं सच्चाई लेके आऊँगा सामने, चाहे इसके लिए मैंने अपना मेरी जान भी नछावर हो जाए मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। और मेरी वाइफ और मेरी लड़की है कहाँ पर, ये पुलिस का काम है ढूंढने का, जो कि मैंने गुमशुदगी की लिखा रखी है रिपोर्ट 24 तारीख को एसपी साहब को, मैं सारा सौदा ज्ञापन दे चुका हूँ, देखें मैं पुलिस प्रशासन कब तक कार्रवाई करता। आज मेरी कंप्लेंट को दिए 1 महीने से ऊपर हो गया है, मेरी बच्ची हो सकता मार दी हैं बेच भी दी, और जब मेरी वाइफ एक डोनेशन कर सकती है 5-4 लाख रुपये बच्ची को बेच सकती है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ भाई? तो देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने लग रही है, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दे रही हो, तब तक ले दे रही अपना आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा जय भारत।